श्याम अपने घर की आर्थिक हालत को ठीक करने के लिए खड़गपुर से शहर में आ जाता है अपने चाचा के पास पैसे कमाने। श्याम के चाचा भवानी 30 साल से शहर में धोबी का काम कर रहे थे। उसी काम के लिए श्याम भी उनके पास आ जाता है। प्रणाम चाचा जी। अरे श्याम बेटा, तुम आ गए, अच्छा किया। हाँ बस अब यहीं धोबी घाट पर काम करके घर पर पैसों की बहुत तंगी है चाचा जी। सब ठीक हो जाएगा, तू खाना खाकर आराम कर ले, फिर सुबह तुझे धोबी घाट ले चलता हूँ। कल से तेरे पैसे की परेशानी कम हो जाएगी। आपकी कृपा होगी चाचा जी, धोबी घाट यहाँ से दूर है क्या चाचा जी? नहीं, घर से कुछ आगे चलते ही है। तो अभी चलते हैं ना खाना खाकर, सैर भी हो जाएगी और मैं धोबी घाट भी देख लूंगा, क्या कहते हैं चाचा जी? नहीं बेटा, फिर दोबारा कभी रात के समय धोबी घाट पर जाने की बात मत करना, अब बिना सवाल किए खाना खाकर आराम करो। ठीक है चाचा जी। अगले दिन सुबह भवानी शाम को लेकर धोबी घाट पर जाता है। चाचा जी, इतना बड़ा धोबी घाट, यहाँ तो पानी की व्यवस्था भी अच्छी है। हाँ बेटा, यहाँ सब अपने अपने घाट पर कपड़े धोते हैं। चाचा जी, आपका घाट कौन सा है और मैं भी उसी घाट पर कपड़े धोऊंगा क्या? मेरा घाट ये है और तुम जगन के घाट पर कपड़े धोना, वो घाट ही खाली है। ठीक है चाचा जी। श्याम घाट पर काम करने लगता है। धीरे धीरे श्याम को हफ्ता गुजर जाता है। एक दिन भवानी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। काम ज्यादा होने की वजह से कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। एक एक करके सब घाट से निकल जाते हैं। अंधेरा होना शुरू हो जाता है और पूरा घाट खाली हो जाता है। श्याम, श्याम, कौन है? श्याम, यहाँ मेरे घाट के पास, मुझे चोट लगी है, मेरी मदद करो, बचाओ मुझे, मैं मर जाऊंगा श्याम, जल्दी आओ, बचाओ, मेरी सांसें बंद हो रही हैं श्याम। रुको, मैं आता हूँ तुम्हारी मदद के लिए भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। श्याम, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो बेटा, और तुम अभी तक घाट पर क्या कर रहे हो? बोला था ना रात में नहीं रुकना है घाट पर, अभी के अभी यहाँ से चलो, बाकी का काम कल करना। चाचा जी, वहाँ किसी के कराहने की आवाज आई, किसी को चोट लगी है, उसकी मदद करनी है, चलिए ना। जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, पूरा घाट खाली है बेटा, सब जा चुके हैं और अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना, चलो मेरे साथ, और फिर दोबारा रात को यहाँ पर नहीं रुकना, चाहे जो भी काम हो। पर मैंने सच में आवाज सुनी थी, किसी के रोने की, कराहने की, जैसे किसी को बहुत ज्यादा चोट लगी हो। वो तेरा भ्रम था बेटा, और आज के बाद रात में तू घाट पर काम नहीं करेगा, चल। श्याम और भवानी घर की तरफ चल देते हैं। आधी रात के बाद जब श्याम सो रहा होता है तब उसे एक सपना आता है। खून से लथपथ एक आदमी घाट पर पड़ा है। बचाओ मुझे श्याम, बचा लो, तुम ही मुझे बचा सकते हो। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या? जी चाचा जी, ऐसा लगा कोई मुझे मार देगा, बहुत डरावना था। कुछ नहीं हुआ बेटा, सो जाओ। अगले दिन सब घाट पर काम कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी श्याम से बोलता है। क्या तुम कल रात अकेले थे घाट पर? हाँ, क्या हुआ? तुम्हारे चाचा ढूंढते हुए मेरे घर भी आए थे रात को। हाँ, काम ज्यादा होने की वजह से रात तक काम कर रहा था। किस्मत अच्छी थी जो बच गए। मतलब? कुछ नहीं, आगे से ध्यान रखना। तभी अचानक घाट पर चिल्लाने की आवाज आती है। श्याम भागता है और देखता है भवानी का पैर फिसलने की वजह से, मजबूत शिला के पत्थर से सर टकराने की वजह से भवानी को गंभीर चोट आती है। चाचा जी, आपको कुछ नहीं होगा,
आप चिंता मत कीजिए, उठाओ चाचा जी को। हे भगवान, चाचा जी को ठीक कर दीजिए, ये कैसी मुसीबत आ गई है हम पर। बेटा श्याम। हाँ चाचा जी, मैं यही हूँ, क्या हुआ चाचा जी? बेटा, मेरे सर पर चोट मेरा पैर फिसलने से नहीं लगी है। मुझे पता है इन सब के पीछे कौन है, किसने मुझ पर वार किया था। मुझे साफ साफ उसका चेहरा नजर आया था। किसका चेहरा चाचा जी, कौन था वो, मुझे बताइए, मैं अब उसके पास जाकर आपकी हालत का हिसाब लूंगा। नहीं बेटा, तुम नहीं ले सकते उससे कोई हिसाब। क्यों चाचा जी, आप मुझे बस उसका नाम और पता बताइए। नाम और पता जानकर भी तुम कुछ नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि वो अब यहाँ नहीं है। नहीं है मतलब, वो भाग गया क्या चाचा जी? जिंदा लोग भागते हैं, जो दुनिया में है ही नहीं वो कहाँ जाएगा। दुनिया में है ही नहीं चाचा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बेटा बस इतना समझ लो, मेरे बचने की उम्मीद कम है, और तुम अपना ध्यान रखना। मैं नहीं चाहता मेरे बाद तुम पर कोई मुसीबत आए। चाचा जी, आपको कुछ नहीं होगा, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अगले दिन शाम सुबह उठकर भवानी के लिए चाय लेकर आता है। चाचा जी चाय, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। भवानी के जाने के बाद श्याम अकेला हो गया था इस गांव में, और सबसे ज्यादा जो श्याम को परेशान कर रही थी वो बात थी, भवानी चाचा ने जिस आदमी का जिक्र किया था वो कौन है, और अगर वो है ही नहीं दुनिया में तो चाचा जी को कैसे मार सकता है। श्याम का एक मित्र गांव से काम करने आता है श्याम के पास। श्याम भैया, श्याम भैया। अरे प्रेम, तू आ गया। हाँ श्याम, अब से मुझे तेरे साथ ही काम करना है। श्याम, मैंने भवानी चाचा के बारे में सुना, सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन जो होना है उसको कोई बदल नहीं सकता। और तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। चाचा जी नहीं है तो क्या हुआ, भाई तो है। हाँ प्रेम, तू आ गया तो मेरा भी मन लग जाएगा। भवानी चाचा के जाने के बाद बहुत अकेलापन हो गया था इस गांव में, और सबसे ज्यादा जो बात मुझे अब तक परेशान कर रही है वो ये है कि भवानी चाचा ने जिस आदमी का जिक्र किया था वो आखिर है कौन, और अगर वो है ही नहीं दुनिया में तो चाचा जी को कैसे मार सकता है। आदमी, कौन आदमी, कैसा आदमी? श्याम, क्या चाचा जी को किसी ने मारा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है प्रेम, सबकी नजर में तो चाचा जी का पैर फिसलने के कारण सर पर उन्हें चोट लगी और उससे उनकी मौत हो गई, पर चाचा जी ने जाते हुए किसी आदमी का जिक्र किया जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। खैर ये सब बातें छोड़, सब ठीक होगा। और हाँ, तू काम का मत सोच, चिंता मत कर, मैं लगा दूंगा काम पर। मुझे पता है श्याम, तू सब ठीक कर देगा और मैं तेरे साथ हूँ। देख प्रेम, ये अपना धोबी घाट है, आज से तुझे यही काम करना है। ठीक है श्याम। चल जल्दी से शुरू हो जा, कपड़ों की पोटली सामने रखी है जिन्हें आज धोना है। और हाँ, आज मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, कल भवानी चाचा की आत्मा की शांति के लिए पूजा और भोज रखा है, तो तू जल्दी काम खत्म करके घर चले जाना, मुझे आने में देर होगी। ठीक है श्याम। श्याम प्रेम को समझा कर चला जाता है। प्रेम कपड़े धोने लगता है, तभी एक आदमी कपड़ों की पोटली लेकर आता है। श्याम कहाँ है? श्याम तो है नहीं, वो किसी काम से दूसरे गांव गया है। ये कुछ कपड़े हैं जिन्हें आज ही धोना है, कल तक चाहिए। ठीक है, मुझे दे दो, मैं धो दूंगा। काम करते करते प्रेम को रात हो जाती है, घाट से सभी लोग जा चुके होते हैं, और रात के सन्नाटे में एक आवाज आती है। प्रेम, 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 जल्दी आओ प्रेम, मुझे बचाओ, देखो मेरी हालत। कौन है? मैं श्याम हूँ, देखो मुझे चोट लगी है, जल्दी आओ। श्याम कहाँ है तू, क्या हुआ तुझे श्याम? हाँ
सुबह के समय सभी घाट पर जमा हो जाते हैं। श्याम फूट फूट कर रो रहा है। प्रेम की बॉडी बड़ी ही विभत्स हालत में सबके सामने पड़ी है। कुछ समय बीतने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। एक दिन श्याम रात को सो रहा होता है, तभी उसे एक सपना आता है। श्याम, श्याम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ही इस मौत के घाट को बंद कर सकते हो। केवल तुम ही हो जो इस खेल को रोक सकते हो। अगला दिन श्याम अब निराश हताश हो चुका था। पहले भवानी चाचा और फिर प्रेम, इन सब ने श्याम को अंदर से तोड़ दिया था। अब श्याम को समझ आ गया था कि ये घाट धोबी घाट नहीं बल्कि मौत का घाट है। अब श्याम ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। श्याम ने आज रात रुक कर इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठान ली थी। और धीरे धीरे अंधकार छा जाता है, घाट सुनसान हो जाता है। श्याम, श्याम, मेरा खून बह रहा है श्याम, मैं प्रेम हूँ श्याम, मेरी मदद करो, आओ श्याम। कौन हो, मेरे सामने आओ, मुझे पता है कि मेरा दोस्त प्रेम अब नहीं बचा है। इतना दम है कि मुझे सामने से देखेगा, तो फिर देख। कौन हो तुम? रंजन। कौन रंजन? क्यों तुम सबको मार रहे हो? इस घाट पर काम करने वाले हर व्यक्ति को मौत का सुख मिलेगा। क्यों? क्या बिगाड़ा है सबने तुम्हारा? क्या दुश्मनी है सबसे तुम्हारी? क्यों, तुम्हारे चाचा भवानी ने तुम्हें नहीं बताया कि क्या बिगाड़ा मेरा? अब यहाँ सिर्फ मौत का तांडव होगा। तो तुम ही हो वो जिसने चाचा जी की जान ली। मरते वक्त चाचा जी ने तुम्हारा ही जिक्र किया था। तुम्हारे साथ किसने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दोस्त प्रेम जो पहले कभी यहाँ नहीं आया था, उसके साथ ऐसा क्यों? अगर गलत हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबके साथ गलत करें। जो तुमने किया है उसके लिए प्रेम जिम्मेदार नहीं था। और जो मेरे साथ हुआ उसके लिए कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। यही घाट, यही के लोग जो मेरे साथ दुर्व्यवहार करते थे, और एक दिन तुम्हारे चाचा भवानी के कहने पर इन्हीं लोगों ने मिलकर मेरे साथ झगड़ा किया और इसी घाट की शिला में मेरा सर लगने से मेरी मौत हो गई। अब सर्वनाश होगा। नहीं रंजन, नहीं, तुम अब वही कर रहे हो जो तुम्हारे साथ हुआ। अगर तुमने अभी ये मौत का खेल बंद नहीं किया तो तुम्हारी आत्मा संसार भर में भटकती रहेगी, कहीं शांति नहीं मिलेगी तुम्हें। मुक्त हो जाओ इस बंधन से, त्याग दो इस पापी आत्मा को। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम नए जीवन को प्राप्त हो, ईश्वर तुम्हें मुक्ति दे। मेरी आत्मा को तो मुक्ति मिल जाएगी, पर क्या शांति मिलेगी? मेरा जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया था कुछ लोगों ने, क्या मेरे जीवन की कीमत वापस होगी? उसके बदले तुम इतने लोगों को मार चुके हो, अब बस बहुत हुआ, इस मौत के धोबी घाट को बंद कर दो। ठीक है, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा श्याम, लेकिन दोबारा कभी इस घाट पर किसी ने अत्याचार किया किसी पर तो फिर आऊंगा मैं। मेरे होते अब यहाँ किसी पर अत्याचार नहीं होगा रंजन। श्याम की बहादुरी और इंसानियत के लिए उसके कदम ने एक निरंतर चल रहे एक मौत के तांडव को रोक दिया था, परंतु आज भी मौत के धोबी घाट पर रात में केवल श्याम ही कपड़े धोता है। किसी को आज तक यकीन नहीं कि ये घाट रात को सुरक्षित है, और शायद अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। रवि की ग्रेटर नोएडा में नई जॉब लगी थी। उसके कॉलेज के दो दोस्त भी इसी शहर में जॉब करते थे। कंपनी की तरफ से उसको एक घर प्रोवाइड किया गया था। ये घर शहर से काफी दूर एक सुनसान इलाके में था। रवि ने घर में थोड़ा सेटअप किया और फिर डिनर में ऑमलेट बनाकर खाया। फिर उसको प्यास लगी तो उसने पानी पीने के लिए फ्रिज खोला। अरे, एक बोतल भी नहीं है इसमें तो, कहकर उसने वॉश बेसिन का नल खोला
तो उसमें भी पानी नहीं आ रहा था। शिट यार, इतनी प्यास लग रही है और यहाँ पानी का जरा भी इंतजाम नहीं है। कहीं आसपास कोई घर भी नहीं है, कहाँ से इंतजाम करूं? ऐसा कहकर उसने खिड़की खोलकर देखा, जो कि घर के पीछे की तरफ खुला करती थी। वहां उसको एक कुआं नजर आया। शुक्र है कुआं तो नजर आ रहा है। उसने एक छोटी बाल्टी ली और घर से निकलकर कुएं के पास गया। उसने रस्सी में बंधी हुई बाल्टी कुएं में डाली। जब वापस खींचने लगा तो बाल्टी कहीं अटक गई। उसने कुएं में झांक कर देखा तो उसे वहां एक शख्स नजर आया। ये कैसे हो सकता है? क्या कुएं में कोई है? जब अपनी कोई एक ख्वाहिश आजमा कर देख सकते हो। ये क्या हो रहा है? भला ऐसे कोई कुएं में कैसे हो सकता है जो पानी देने के साथ साथ हमारी ख्वाहिशें भी पूरी करे? ठीक है, मुझे पानी के साथ साथ मुझे सोने की अंगूठी भी भेज दो। ऐसा कहकर उसने रस्सी खींची तो वो आराम से ऊपर आने लगी। जब बाल्टी उसके हाथ में आई तो उसके अंदर कुछ चमकता हुआ नजर आया। ये क्या है? उसने हाथ डालकर उसे निकाल कर देखा तो ये एक सोने की अंगूठी थी। ओह माय गॉड, हाउ इज इट पॉसिबल? अब तक रवि समझ रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन अपने हाथ में पकड़ी चमचमाती अंगूठी को देखकर अब उसकी आंखें चौंधिया आ गई थी। खैर, उसने पानी पिया और फिर वापस अपने घर को पहुंचा। सुबह उठकर जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था तो एक बार उसने खिड़की खोलकर कुएं को देखना चाहा, लेकिन अब वहां कोई कुआं नहीं था। ये सब हो क्या रहा है? क्या यहाँ कोई कुआं था ही नहीं? कहीं रात में मैंने कोई सपना तो नहीं देखा? तभी उसका ध्यान हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ा। उसको यकीन हुआ कि रात को उसने जो भी देखा वो सपना नहीं था। मुझे इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ऑफिस का पहला दिन है, जल्दी से निकलता हूँ। वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। रात को जब वो वापस आया तो कुआं अपनी जगह पर मौजूद था। ये कुआं तो मायावी लगता है, शायद इसी वजह से दिन में गायब हो जाता है। अब है तो अपने लिए कुछ पैसे मांग लेता हूँ। ऐसा सोचकर उसने बाल्टी को कुएं में फेंका और बोला, मुझे अभी कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए। ऐसा कहकर उसने बाल्टी को वापस खींचा तो उसके अंदर उसको प्लास्टिक बैग में लिपटा एक पार्सल नजर आया। उसमें नोटों की मोटी मोटी गड्डियां थी। अगले दिन रवि जब ऑफिस से घर आया तो उसके मोबाइल पर निशा का कॉल आया। रवि, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ। तुम कई दिनों से नोएडा आ चुके हो और अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने की जरा भी कोशिश नहीं की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार, शिफ्टिंग में लगा था ना, तो बस। तो ठीक है, अब तो फ्री हो ना? हाँ, कल मिलते हैं। ठीक है, कल ऑफिस के बाद मैं और पारुल दोनों तुमको कॉफी शॉप में मिलते हैं, ठीक है? हाँ जरूर। इतने सालों बाद निशा और पारुल से मिल रहा हूँ, कोई अच्छा सा गिफ्ट तो होना ही चाहिए। वो घर से निकलकर कुएं के पास पहुँचा, फिर उसने बाल्टी उसके अंदर डाली और जब खींचने लगा तो वो फिर से अटक गई। मुझे आज एक अच्छा सा सोने का नेकलेस और एक ब्रेसलेट चाहिए। ऐसा बोलकर उसने बाल्टी को ऊपर खींचा तो पानी के साथ साथ सोने का एक भारी भरकम नेकलेस और ब्रेसलेट भी ऊपर आ गया। अरे वाह! रवि बहुत खुश हुआ और उसे लेकर घर पहुंचा। अगले दिन ऑफिस के बाद वो निशा और पारुल से मिला। इतने दिनों बाद कॉलेज की यादें ताजा करके मजा ही आ गया यार। हाँ यार, ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो, है ना? अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तुम दोनों के लिए गिफ्ट्स लेकर आया था। ये कहकर उसने अपने बैग से वो नेकलेस और ब्रेसलेट निकालकर दोनों को एज अ गिफ्ट दे दिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी यार, अभी तो तुमको तुम्हारी पहली सैलरी भी नहीं मिली। अरे रख लो। कुछ देर और बातें करने के बाद वो तीनों अपने अपने घर को पहुंच गए। अब ये टाइम 11 बजे का था। निशा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने रवि का दिया हुआ नेकलेस पहना हुआ था और आईने में खुद को देख रही थी। तभी उसे अपने पीछे कुछ धुआं सा उठता हुआ नजर आया। उसने जैसे ही पलट कर देखा तो वो धुआं एक आकृति लेने लगा और फिर एक भयानक लड़की के रूप में बदल गया। उस लड़की ने निशा का गला पकड़ा और उसको पीछे की तरफ ऐसा धक्का दिया कि निशा का सर ड्रेसिंग टेबल के आईने को तोड़ता हुआ उसके पार हो गया। निशा की गर्दन कट गई और वो जमीन पर ढेर हो गई। सुबह जब पारुल निशा के घर पहुंची
तो उसको निशा की मौत के बारे में पता चला। तभी उसने रवि को कॉल करके उसकी मौत की खबर दी। मैं अभी वहां आ रहा हूं। रवि ने जैसे ही कॉल कट किया, उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में जैसे कोई भारी भरकम चीज पड़ी हुई है। उसने देखा तो उसके पैरों में एक बेड़ी पड़ी हुई थी। सोने की बेड़ी? अब रवि ने देर नहीं की, वो उसी टाइम जाकर पारुल से मिला और उसने उसको सब कुछ बता दिया। रवि, मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। उस कुएं के बारे में अच्छे से जाने बिना तुमको उससे ख्वाहिशें नहीं मांगनी चाहिए थी। आज रात तुम उस कुएं पर जाओगे तो मैं छिपकर देखूंगी। तुम उससे पूछना कि इस बेड़ी का तुम्हारे पैरों में आने का क्या मतलब है। रात को रवि कुएं पर पहुंचा और पारुल छिपकर सब कुछ देख रही थी। मुझे बताओ कि तुम कौन हो, मेरे पैरों में ये बेड़ी किस लिए आई है? इस कुएं से तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन जो भी तुम इस कुएं से मांगोगे उसका इस्तेमाल सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अगर तुमने वो चीजें किसी और को दी तो उनको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। इसका मतलब है कि निशा की मौत भी इसी वजह से हुई? हाँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमने आज तक जो कुछ भी मुझे दिया सब वापस ले लो। तुम जितनी ख्वाहिशें मांग सकते थे मांग चुके, अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते ही एक मोटी जंजीर कुएं से निकली और उसके पैरों में पड़ी बेड़ी में बंध गई। धीरे धीरे जंजीर उसको कुएं की तरफ खींच रही थी। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। तुमने जो कुछ भी लिया है अगर वो सब वापस कुएं में डाल दो तो ही तुम बंधन से मुक्त हो सकते हो, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होगा। सुबह होने से पहले ये बेड़ियां तुमको कुएं के अंदर ले जाएंगी और उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे साथ इसी कुएं के अंदर रहोगे। अब पारुल ने देरी नहीं की, वो रवि के घर गई और उसने कबर्ड में रखे हुए पैसों का पैकेट निकाला। वो जैसे ही मुड़ी तो पहले से ही भयानक लड़की पीछे खड़ी थी। तभी पारुल ने अपने हाथ में पहना ब्रेसलेट उतार दिया। ऐसा करते ही वो उससे अलग हो गई। फिर पारुल तेजी से घर से निकलकर कुएं की तरफ भागी। पास ही वो लड़की उसको खा जाने की निगाहों से देख रही थी। उसने रवि की उंगली से अंगूठी उतार ली। नहीं! पारुल ने देर न करते हुए पैसों का पैकेट, ब्रेसलेट और वो अंगूठी कुएं में फेंक दी। वो बहुत जोरों से चिल्लाई, कुएं से पानी ऊपर उठा, एक भंवर सी आई और उस लड़की को अपने साथ कुएं के अंदर ले गई और सब कुछ शांत हो गया। थैंक यू पारुल, ऐसा कहकर रवि उसके गले लग जाता है।